सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम सीखेंगे कि लूप का यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारा लूप है एमएस पावर पॉइंट में कैसे वर्क करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं, हम कोई शेप इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ओवल इंसर्ट कराया। ये हमने ओवल इंसर्ट कराया, फिर से शेप पे गए और यहाँ से एक और ओवल इंसर्ट कराया। हम स्माइली बना रहे हैं, अब हम कंट्रोल के साथ ये दोनों ओवल जो हैं सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट किया है। हम इसे यहाँ से रोटेट कर देते हैं, जो कि साइड का ये स्माइली बन गया। अब इस पे हम कलर फिल कर देते हैं। हम होम पे गए और हम इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप फिल पे आए। अब देखिए, हमने फर्स्ट स्लाइड पे एक स्माइली का फेस रेडी किया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये डुप्लीकेट स्लाइड पे हम इस पर आएंगे। ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पे और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अब सेकेंड स्लाइड पे भी देखिए, हमारा यही फेस आ गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। जैसे हमने इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और इस वाली आई को सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल की हम रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे और इसकी आई को थोड़ा है राइट साइड मूव करा देंगे। और जो इसकी स्माइल है, इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब फिर हम इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे इस पे और डुप्लीकेट स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पे भी हम थोड़ी सी चेंजमेंट कर देंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। हमने इस आई को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल की हम रिलीज़ करेंगे और इसको हम ऐसे सेट कर देंगे। इसकी स्माइल भी थोड़ी सी चेंज कर दें। फिर हम थर्ड स्लाइड पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और ये डुप्लीकेट स्लाइड रेडी करेंगे। अभी देखिए, हमारी एक और डुप्लीकेट स्लाइड आ गई है। अब हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे, हमने फर्स्ट आई को सेलेक्ट किया, दूसरे को सेलेक्ट किया और इस बार इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देंगे और इसकी स्माइल जो है, हम इसको अब की बार डाउन साइड कर देते हैं।
ये देखिए हमारी चार स्लाइड रेडी हो गई हैं। अब हम ट्रांजिशन पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी देखिए सेलेक्ट है। हम यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटा देते हैं, आफ्टर करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम कि हर 0.02 सेकंड में हमारी स्लाइड चेंज होती रहे। हम एनिमेशन पे आएंगे, सॉरी स्लाइड शो पे आएंगे, सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। देखिए हम स्लाइड शो पे हैं, सेटअप स्लाइड शो पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए हमारा है लूप कंटिन्यूअसली अनटिल एस्केप। हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक कोई एस्केप की प्रेस ना करे। लूप का मीन्स वही होता है, एक ही काम बार बार रिपीट होते रहना कि बीच में कोई स्टॉप ना आए। जब कोई एस्केप की प्रेस करेगा कीबोर्ड से तब हमारा लूप रुक जाएगा। अभी देखिए शो स्लाइड्स पे हमारी ऑल स्लाइड्स हैं, हमने ओके कर दिया यहाँ से। अब हम F5 प्रेस करेंगे। अब ये देखिए बिना माउस की क्लिक के और बिना कीबोर्ड के हमारी स्लाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड के बाद ये रुक गया, सेकंड स्लाइड हमारी ऐसी थी, आगे की स्लाइड इसलिए नहीं बढ़ रही है। अब हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तब ये आगे रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने एस्केप किया ये बाहर आया क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे ही ड्यूरेशन दे रखा था कि 2 सेकेंड के बाद हमारी दूसरी स्लाइड आ जाए। ऐसे ही हमें हर स्लाइड पे देना पड़ेगा। इस पे भी हमने 2 सेकेंड दे दिया, थर्ड स्लाइड पे भी हमने टाइमिंग दे दी। और यहाँ फोर्थ स्लाइड पे आए, हमने इसकी भी टाइमिंग यहाँ पे दे दी। अब देखिए हमारी हर स्लाइड पे टाइम सेट है। हमने पिछली बार फर्स्ट स्लाइड पे टाइम दिया था इसलिए बाकी की स्लाइड वो नहीं शो कर रहा था, जब हम माउस से क्लिक कर रहे थे वो तब शो कर रहा था। अब ये हमारी ऑटोमेटिक फर्स्ट स्लाइड से फोर्थ स्लाइड तक ऑटोमेटिक हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हम एस्केप ना करें। हम F5 प्रेस कर रहे हैं। अब देखिए हमारी जितनी भी स्लाइड है ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट करता रहेगा, हमें इसमें कुछ भी चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक कोई एस्केप की प्रेस नहीं करेगा तब तक ये हमारा ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम एस्केप की प्रेस कर रहे हैं, वापस अपनी स्लाइड पे आ गए। ये है हमारा लूप कि हम लूप अप्लाई करके अपनी स्लाइड्स को बड़ी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम चाहें और जिस स्लाइड पे जितना भी टाइम देना चाहे। अगर जैसे कोई स्लाइड है हम चाहते हैं कि इस स्लाइड पे हमारी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो, ये स्लाइड हमें ज़्यादा टाइम तक दिखानी है, हम यहाँ से टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये है हमारे लूप का यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।